सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। शायद आप लोग नहीं जानते कि परमात्मा ने आपको क्यों बनाया, और कभी आप सोचते भी नहीं है कि परमात्मा ने इतनी मेहनत करके आपको इतना सुंदर क्यों बनाया, आपको मनुष्य क्यों बनाया परमात्मा ने, इस पर भी आप गौर नहीं करते हैं, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है कि सोचे कि हम क्या हैं और हम किस लिए संसार में आए हैं, हमारा क्या कार्य है, किस लिए हमें परमात्मा ने इतनी मेहनत से इतने वर्षों तक एक छोटे से अमीबा से लेकर आज मनुष्य योनि में लाया है, इस पे हम लोग बिल्कुल विचार ही नहीं करते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारा चित्त बिल्कुल बाहर है, हमारा चित्त अंदर की ओर नहीं जा पाता। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोग अपने अंदर झांकिए, अपने को देखिए, तो आप लोग नहीं देख सकते। आप कहेंगे कि माँ ये किस तरह से होता है कि हम अंदर की ओर जाएं? हम तो आपकी बात सुन रहे हैं, जो आप बाहर हैं आपको देख रहे हैं, लेकिन हमसे आप कहें कि अंदर की ओर जाएं, तो बड़ा मुश्किल कार्य है। ये कैसे हो सकता है कि हम अपने अंदर जाएं और अपने को जाने कि हम क्या चीज है? ये तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने हमें बताया कि हमारे अंदर में मांसपेशियां हैं और हमारे अंदर में अस्थियां हैं और हमारे ऊपर में चमड़ा लगा हुआ है, इसके अंदर अनेक मज्जा तंतु अपना कार्य करती रहती है। बहुत सी बातों के बारे में जानकारी डॉक्टर लोग सोचते हैं कि हमें हो गई है, किंतु वो ये नहीं जानते कि ये सारी क्रिया हमारे शरीर के अंदर कौन सी ऐसी शक्ति करती है, कौन हमारे पेट से जो खाना है उसे हजम करती है, कौन हमें श्वासोश्वास कराने पे उतारू करती है, कौन हमारे बुद्धि में रह करके विचार की चाल ना करती है, ये कौन सी शक्ति हमारे अंदर है, वो किस तरह से निहित है और वो कैसे कार्यान्वित होती है, इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बता सकता। जब हम पेड़ को देखते हैं तो इतना ही बता सकते हैं कि ये आम का पेड़ है, फिर ये भी बता सकते हैं कि इसमें कौन से प्रकार के आम लगते हैं, फिर ये भी बता सकते हैं कि आम का गंध कैसा है और उसका स्वाद कैसा है और यहाँ कितने बार साल में आम लगता है, किस प्रकार का ये आम होता है, इसकी पत्तियां कैसी होती हैं, इसकी जड़ें कैसी होती हैं, इसकी शाखाएं कैसी होती हैं, पर हम ये एक बार भी नहीं बता सकते कि इसके अंदर जो शक्ति प्रवृत्त है, जो इसके अंदर से बह रही है, जिसने ये आम बनाया है, वो शक्ति किस प्रकार की, वो किस तरह से इसमें बाहर लाती है, वो किस प्रकार इसमें फिर फल लगाती है और वो किस प्रकार इसमें ये रस देती है, उस शक्ति के बारे में हम जानते नहीं। बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये शक्ति पृथ्वी से आती है और पृथ्वी से ऊपर जाती है और कार्य करती है, लेकिन वो है क्या? हम लोग रोजमर्रा इस तरह के अनंत जीवंत क्रियाएं संसार में देखते रहते हैं। ये भी देखते हैं कि माँ के बच्चे में पेट में बच्चा रहता है और बच्चा बढ़ता है और फिर पनपता है और उसके बाद वो संसार में जन्म लेता है। कोई भी वस्तु हमारे अंदर शरीर में गौर परदेशी वस्तु अंदर जाए, फॉरेन वस्तु अंदर जाए, तो उसको शरीर फेंक देता है। लेकिन एक बच्चा ही ऐसी चीज है, जब वो शरीर में स्थापन होता है तो उसे संगोपन किया जाता है, उसको संभाला जाता है और उसकी हर एक चीज, हर एक जरूरत पूरी की जाती है। आखिर ये शक्ति कौन सी है जो हमारे अंदर इसे कार्य करती है, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, इसको हम जानते नहीं, बिल्कुल अपरिचित हैं हम अपने ही से, जिससे हम कार्यान्वित हैं। अगर किसी प्रकार हम इस शक्ति के ऊपर अपना काबू पाले, इस शक्ति से हम संबंधित हो जाएं, या इस शक्ति को हम अपने हाथ में ले लें, तो क्यों ना हम अनेक कार्य करके दिखा सकते हैं जो कभी भी हम नहीं कर पाए। इसी शक्ति को जानने के लिए सहयोग का हमने प्रचार शुरू किया है। सहज योग अनंत काल से संसार में वर्तमान है। इस शक्ति का जितना भी कार्य है वो सहज है, सहज है। सह माने आपके साथ और जो माने पैदा हुआ। आपके साथ जो पैदा हुई शक्ति है, जो आपके अंदर हर समय स्थित है, जो आपके अंदर वर्तमान है, जो आपके अंदर कार्यान्वित है, उस शक्ति के द्वारा योग को पाना माने परमात्मा से अपना संबंध स्थापित करना, यही सहज योग है। मनुष्य के अंदर ये शक्ति विशेष रूप से अदृश्य रहती है, उसे डॉक्टर लोग स्वयं 40 के नाम से जानते हैं, जिसे वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है स्वयं 40, पर ये स्वयं कौन है, इसे हमने खोज के नहीं निकाला। ये स्वयं कौन सी चीज है, कौन सी चीज है,
सिर्फ किसी को कहने देने से कि ये प्राइम मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर कौन है, क्या है, कैसे कार्य करता है, उसका तो कुछ पता नहीं होता। इस तरह से एक कुछ अजीब सा छिपा हुआ नाम दे दिया कि ये स्वयं चालित है, इसे हम नहीं जान सकते। लेकिन यही स्वयं हम लोग हैं। जिस वक्त हम ये स्वयं हो जाते हैं, तब हम अपने सारे कार्यों को खुद ही कर पाते हैं। ये स्वयं ही हमारे अंदर छिपा हुआ ईश्वरी तत्व है, इसे हम लोग आत्मा के नाम से जानते हैं। ये आत्मा हमारे हृदय में वास करता है, लेकिन आसन यहाँ पर हमारे सर पे यहाँ पर हर समय रहता है। इसके बारे में अनेक लोग भाषण देते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है, आत्मा को खोजो, उसको खोजना चाहिए, उसके लिए आप सर के बल खड़े हो जाओ, या दौड़ लगाओ, या इतनी पूजा चढ़ाओ, या इतनी श्रद्धा करो, जितना तुम्हारी श्रद्धा हो उतना पैसा चढ़ाओ और दुनिया भर का इन लोगों का सरंजाम बढ़ाओ। ऐसी चीजों से आत्मा कभी नहीं मिल सकता, इससे वो खो जाएगा हमेशा के लिए। आत्मा की खोज नहीं हो सकती, आत्मा प्रकाशित होता है। जो लोग संसार में बाहर या कहीं जंगलों में रह करके संन्यास आदि लेकर के द्राविड़ी प्राणायाम करके आत्मा की खोज करते हैं, वो बहुत गलत रास्ते पर है। आत्मा अपने ही अंदर प्रकाशित होता है, अपने ही आप सहज सहज समाधि लीला में। जो बड़े कहे गए हैं, जो आज तक यहाँ पर बहुत बड़े विचारक और जो बड़े बड़े जिनको हम गुरु कहते हैं वो कह गए हैं, उसकी एक एक बात सच, उसको सिद्ध करने का आज समय आ गया है। ये वक्त आ गया है कि उस चीज को हम सिद्ध करें और देखें कि वाकई हमारे अंदर आत्मा नाम की कोई चीज है भी क्या नहीं। और जब ही जाना जाएगा कि हमारे अंदर आत्मा है, तभी आप परमात्मा को जान सकते हैं। बगैर आत्मा को जाने बगैर आप परमात्मा को कभी भी नहीं जान सकते। फिर आप मंदिरों में घूमिए या मस्जिदों में आप अपनी टांगे तोड़िए, जब तक आपकी आंख नहीं खुलती, जब तक आपकी आत्मा इसे देख नहीं पाती, तब तक आप परमात्मा को नहीं जान सकते। इसलिए सबसे पहला काम है आत्मा का साक्षात्कार करना। उसकी पूरी व्यवस्था हमारे अंदर परमात्मा ने कर दी है, हमें उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आखिर हम जो यह श्वास ले रहे हैं उसके लिए क्या हमें मेहनत करनी पड़ती है? या जो हमारा हृदय धड़क रहा है हर मिनट हर तरह से हमारी मदद कर रहा है, क्या उसके लिए हमें कोई मेहनत करनी पड़ती? या हमारे पेट में जो खाने की पाचन क्रिया हो रही उसके लिए कौन सा हमें सर फोड़ना पड़ता है? अगर परमात्मा को पाना और आत्मा का दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए, तो वो होना ही चाहिए और होगा ही और सहज होना पड़ेगा। लेकिन आजकल की जनता, आजकल के नौजवान अब तो परमात्मा में विश्वास नहीं करते। उसकी वजह है क्योंकि अंधे लोगों ने जिस तरह से अंधे तरीके से परमात्मा को जाना चाहा, वो समझते हैं, वो बुद्धिवादी हैं, वो देखते हैं कि इस तरह से परमात्मा परमात्मा कोई चीज नहीं है, ये तो सब धोखाधड़ी है, ये तो सब फालतू लोगों के जेबें भरने का इंतजाम है। ये बहुत सारे ऐसे लोग जो कि कुछ काम धाम नहीं करते हैं, उनके लिए एक अच्छा बहाना बना हुआ पैसा कमाने का एक एंटरप्राइज है, वो भी सही है। लेकिन बुद्धि से भी परमात्मा नहीं जाना जाएगा। हाँ, बुद्धि से आप उस जगह जाके पहुंच जाएंगे जहां आप ये सोचेंगे कि बुद्धि से परमात्मा नहीं जाना जाता, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप बुद्धि को त्यागें। बुद्धि का त्याग मैं नहीं कह रही हूँ, बुद्धि पूरी की पूरी वहां बनी रहेगी, सिर्फ उसे प्रबोध होना चाहिए। ज्ञान एक चीज है और बोध दूसरी चीज है। बोध होना चाहिए। जब परमात्मा का बोध हो जाता है, वो कोई लेक्चर देने से या आपका ब्रेन साफ करने से नहीं होने वाला। एक चीज है, घटना है जो आपके अंदर घटित होनी चाहिए, आपको वो होना पड़ेगा, आपको आत्मामय होना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होता, तब तक कोई बात करना बिल्कुल व्यर्थ। इस बात से सिर्फ मैं आपको वहां तक पहुंचा रही हूँ जहाँ आपको खड़े होकर के इंतजार करना पड़ेगा कि वो घटना आपके अंदर घटित हो।